मेरा हिंदी से आप थोड़ा सहना पड़ेगा। दक्षिण का बच्चा हूं मगर दिल का सच्चा। जो भी मैं बोलना चाहता हूं, तो जो मैं अभी काम पे 24/7 उसी पे लगा रहा। उमेश जी जानता है, खुद जानकारी के लिए भाग्यनगर पहुंचे थे उमेश जी सब लोग। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं बोलने के लिए, थोड़ी सी हमारे जो विचार जो भाव आपके सामने जो दिल खोल करके बताना चाहता हूं। हिंदू एकमात्र शब्द, इसी से उत्तर दक्षिण को पूर्व पश्चिम को और पाकिस्तानी विस्थापित हिंदू बंधुओं को, बलूचिस्तान से हिंदू बंधुओं को और बांग्लादेश से हिंदू बंधुओं को, सारे विश्व में फैला हुआ हिंदू बंधुओं को एक करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, एकात्म भाव से जोड़ने के लिए एक सूत्र है, वही हिंदू है। हिंदू शब्द की अर्थ अगर हम किसी से पूछा जाए, बोलेंगे सिंधु नदी के आसपास जो नागरिकता है, या विधर्मी लोग जब देश को आक्रमण करते हुए यहां सिंधु प्रांत की जो नागरिकता, सिंधु भाग में जो जीवन धारा, इसको देखते हुए उनको सिंधु बोलने में दिक्कत हुआ, इसलिए हिंदू बोल दिया। तो इसीलिए हम सबको अभी हिंदू का नाम डोलना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे भाव हिंदू शब्द के प्रति ऐसा पहल गया। हम ये कहना चाहते हैं कि हम अकलमंदी नहीं है, हम अज्ञानी नहीं है। हिंदू शब्द है संस्कृत भाषा की एक धातु से निकला हुआ शब्द है। हिम धातु से दू दूषयति खंडयति, हिम धातु संस्कृत में इसका अर्थ है हिंसा। हिंसा को दूर रखने वाला, हिंसा को दूर करने वाला ये हिंदू है। इसका ये भी अर्थ है अगर कोई हिंसा को प्रेरणा करेंगे, हिंसा को जागृत करेंगे, तो उसको अंत तक नहीं छोड़ेंगे, उसको भगा भगा करके भेजेंगे, पाकिस्तान को या बांग्लादेश को या बलूचिस्तान को भेजेंगे। तो इसकी जो समाधान मैंने नहीं दिया, राम ने दिया था रामायण में, कृष्ण ने दिया कुरुक्षेत्र में, पूरा गीता सुनाया अर्जुन को, अहिंसा की गीता सुनाया, अहिंसा मार्ग की गीता सुनाया, अंत में ये बताया ये अहिंसा एक बड़ा दीक्षा है, ये अहिंसा एक बड़ा तपस्या है, ये अहिंसा एक बड़ा व्रत है। अहिंसा अहिंसा के एक माध्यम से सब प्राणी की श्रेष्ठ बनती है। तो ये अहिंसा आपकी
व्रत है। इस अहिंसा व्रत को भंग करने वालों को आप मत छोड़ना। अगर आप छोड़ेंगे तो आपको भी हम हिंसात्मक मानना चाहते हैं। तो इसीलिए अर्जुन को यह भी प्रेरणा दिया कि अहिंसा को बचाने के लिए हिंसा भी अहिंसा व्रत की एक भाग है।